लेकिन हमारे बच्चों को फंसाया गया है। वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। उन्हीं के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसने करा है सजा उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल जो दोषी है उनको बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए। गलत उसके दिमाग में किसी ने भर दिया हो, ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा है नहीं। रोशनलाल शर्मा आपका सागर से क्या रिश्ता था? बेटा है मेरा जी। कल की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं उस घटना को? हम ये सोचते हैं हुआ बहुत ज़्यादा गलत, दोषी जिसने जिस जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, जांच बैठा ली जाए, जो जिसने करा है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो मेन है यही हम चाहते हैं। आपको लगता है कि सागर को अपमान भरा गया है? जी हाँ। बंगलोर का उसका दोस्त है, क्या नाम है? नाम नहीं बता सकते आपको, नाम नहीं बता सकते उसका, मेन वही है। क्या करता था वो? वो इंजीनियर था। आपका बेटा फेसबुक पर तमाम भगत सिंह के पोस्ट, हाँ भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है वो। कौन सी किताबें पढ़ता था? वही भगत सिंह की ज़्यादातर पढ़ता था, ज़्यादातर भगत सिंह की पढ़ता था, ये करके गए हैं ये वो, यही सब बात करता रहता। हमने बेटा काम भगत सिंह खाने के नहीं देंगे, अपना काम करो, दो पैसा कमाओ, अपना सहारा बनो, माँ बाप का सहारा बनो, यही मेरी चाहत है। जब वो यहाँ से गया घर से तो क्या बोल कर गया? ये बोला कि हम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हम 14-15 तारीख को आ जाएंगे। क्या बता कर गया था? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कह रहा मैं घूम जा रहा हूँ काम से। सब कुछ नहीं, बस फोन पे बातचीत होती रहती थी बस। होनी जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी नहीं उनको छोड़ा जाए। मेरा कारपेंटर काम है, कारपेंटर काम करते हैं। मैं खुद पहुंचा, किसी ने हमको बुलाया नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, हम खुद गए उनसे मिलने के लिए। दरोगा जी से गए, सीधे थाने गए, बस कहा जो था वो हमने बताया उनको, कैसे क्या हुआ, कब गया, क्यों गया, हमने को बताया बस। नहीं, बेंगलोर गया है, करीब 1 साल रहा वहाँ पे, काम करता था। लेकिन हम यही चाहते थे कि अब जो आदमी अपने देश में ना कर पाया वो बाहर देश में क्या करेगा। हम भी तो लखनऊ में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा उन्नाव है, वही जन्मभूमि हमारी, वहीं पैदा हुए हैं, हम भी तो यही हैं। दिल्ली भी रह के आए, राजस्थान गए काम करने के लिए, चंडीगढ़ काम करके आए, लौट फिर के फिर आ गए बस। बदलाव, फोन आता था, फोन में बात करता था, लेकिन वो घर में बात नहीं करता, बाहर निकल के बात करता था। बेंगलोर से आने के बाद क्या उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया जो आपको कुछ सही नहीं लगा? सही सही क्या आता था, अपना खाना पीना खाता था, खाना खाना खा पी के अपना घूमने चला गया, गाड़ी चलाता था, यही था बस। हम तो यही चाहते हैं बस ठीक ठाक हो सब। पुलिस ने आपको हिरासत में लिया? हिरासत में खुद गया था, हिरासत में मैं खुद गया था, बाकी पुलिस ने मेरे से कोई ऐसी मेरी बदतमीजी नहीं करी, इज्जत से बात करी। बेटे ने जो करा तो करा ही है, मेरे से कोई ऐसी इस तरह कोई बात नहीं करी। सर निंदा तो बहुत ज़्यादा है कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन दो दो कराया, उन्हीं के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसने करा है सजा उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल जो दोषी है उनको बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए बस। बस सबसे बड़ी चीज़ है जी हाँ, ठीक है, गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? हमारे बच्चे को छोड़ दे, हमारे बेटा निर्दोष है।
कभी वो फ़ोन पे क्या ऐसे वीडियोस को देखता था या किसी से वीडियो कॉल या फ़ोन पे ऐसे बात करते आपके सामने नजर आया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करता था, बस गलत कोई बात नहीं करता था, बस जो उसको टोके। घर से क्या बता के गया था? घर से बता के गया था, मम्मी 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा वापस 2 दिन के बाद, फिर गाड़ी चलाऊंगा आके। कहाँ बता के गया था वो? कह रहा था मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली जाने। तो आपने पूछा नहीं कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? पूछा था तो बोला मम्मी काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे हम। क्या काम बताया था उसने? दोस्तों से मिलने के लिए बोला था, आ जाऊंगा। किन दोस्तों से मिलने? अब उनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनसे मिले भी नहीं हम। तो घर से क्या वो यहाँ से पूरी तैयारी के साथ गया था, कपड़े अपने साथ, क्या उसको जाते वक्त आपने कुछ दिया था? जाते वक्त हमने कुछ नहीं दिया उसको, वो गाड़ी चलाता था, उसके पास पैसे थे। घर से कुछ बना के आप दी थी वास्ते के लिए, सफर के लिए? नहीं, कुछ नहीं दिया उसको। कितना कमा लेता था एक दिन में? 500 रुपए, 600 रुपए कभी ऐसे। दूसरे की गाड़ी चलाता था कोटे पे। आंटी अपना नाम बता दे। रानी शर्मा नाम है मेरा। रानी शर्मा नाम है आपका। आपका बेटा कल संसद भवन में कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं व्यवधान पहुंचाया, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को फंसाया गया है, वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा, वो मेरा बच्चा निर्दोष है बिल्कुल, उसको फंसाया गया है। कौन लोगों ने उसे फंसाया होगा? अभी हम नहीं जानते, किसी ने तो फंसाया है उसको, वो बिल्कुल निर्दोष है। मेरा एक ही बेटा, वो रिक्शा चलाता था और कोई कुछ नहीं, बस वो देशभक्त के बारे में बात करता था, बस इसी बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का था। क्या आपको लगता है लोगों ने उसे फंसाया है? हाँ जी, बिल्कुल फंसाया है। जिन लोगों के साथ वो कल घटना करता है, क्या उन लोगों को वो पहले से जानता था? क्या फोन पे बातें होती थी? इस बारे में नहीं पता हमें, मगर हमें ये पता है कि वो निर्दोष, वो फंसाया जा रहा है मेरा बेटा। कैसे कह सकते हैं आप निर्दोष है? क्योंकि वैसा उसने कभी नहीं किया ऐसा कुछ। क्या आपको लगता है गलत संगति में आके या उसके ब्रेन वॉश कर उसके दिमाग में कुछ चीजों को भर के ऐसा घटना को अंजाम दिलाया गया है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि गलत उसके दिमाग में किसी ने भर दिया हो, ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा है नहीं। और क्या कहना है, क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से? हमारे बेटे को छोड़ दे बस, वो निर्दोष है, वो मेरा एक ही बेटा।